गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी रासायनिक समीकरण की और आपको लिखाई थी अपने रासायनिक समीकरण बनाने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उसमें अपन ने सबसे पहले क्या कहा था, रासायनिक समीकरण में वही दो पद होते हैं, दायां पद बायां पद, बायां पद में अपन लेते हैं क्रिया कारक, दायां पद में लेते हैं क्रियाफल, दोनों के बीच अपन तीर का निशान लगाते हैं। यदि क्रिया कारक की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का, इसी प्रकार यदि उत्पाद की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच में भी प्लस का निशान। फिर अपन ने कहा कि रासायनिक समीकरण से जो किस नियम का पालन करती है, बड़ा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्रियाफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, समान रहता है, ना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। फिर अपन ने कहा कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर दो प्रकार के हो गए, एक अंकारी समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है, दूसरा है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वह समीकरण है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। फिर इसके पश्चात आपके पास आया था रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात जो क्रियाकारक क्रियाफल और क्रियाफल है उनके ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं, पदार्थ या क्रियाकारक और क्रियाफल की अवस्था लिखते हैं। गैसीय अवस्था है तो जी से, ठोस अवस्था है तो एस से, और यदि द्रव अवस्था है तो एल से। इसके साथ साथ अपन ने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से क्रियाफल और उसी समय क्रियाफल से क्रियाकारक बनता है, अर्थात अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, तो रासायनिक समीकरण लिखते समय दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। फिर उसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ताप दाब की आवश्यकता होती है, तो ताप दाब को अपन किसके ऊपर लिखते, बड़ा तीर के निशान के ऊपर। यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक जल में घुलित अवस्था में हो तो सॉल्ट के अपन क्या लिखते, बड़ा एक्वस। फिर उसके पश्चात अपन ने क्या कहा था, यदि रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर ऊष्मा का क्या होता है, बड़ा अवशोषण होता है, ऐसे अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा अवशोषित किया गया है उस ऊर्जा को माइनस का चिन्ह लगा के आगे लिखा रहता है, और यदि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा बाहर मुक्त होती है उसको आगे प्लस का निशान लगा के लिखते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तो उस उत्प्रेरक को भी किसके ऊपर लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये तो रासायनिक समीकरण बनाने के क्या हो गए, नियम हो गए। अब इसके पश्चात एक छोटा सा पॉइंट के लिए मैं बोर्ड पे और पूछा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या गुण। तो पहला गुण अपने क्या कहा था, रासायनिक समीकरण की विशेषता, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक वे क्रियाफल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा दूसरी विशेषता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक या रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब उत्प्रेरक इत्यादि की जानकारी होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा अपन मुझे पता लग जाता है कि रासायनिक जो समीकरण है अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की है। उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब है दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया क्या कहते हैं,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रकार की है या नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में क्या होगी, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाकारक की संपूर्ण जानकारी देती है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और क्रियाफल की अवस्थाएं, जैसे क्रियाकारक या क्रियाफल गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था की जानकारी देता है, द्रव अवस्था में तो द्रव अवस्था में, और रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण की विशेषता या रासायनिक समीकरण की के गुण। अब दूसरा पॉइंट है बेटा रासायनिक समीकरण की कमियां। रासायनिक समीकरण की कमियों में रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती। नंबर टू, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये रासायनिक समीकरण की क्या होगी बेटा, कमियां होंगी। रासायनिक क्या कमी दिखा रहे हैं अपन, रासायनिक समीकरण के द्वारा ये प्रदर्शित नहीं होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व क्रियाफल की सांद्रता क्या है। दूसरा, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, कमियां रहेंगे। किसकी कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां। किसकी कमियां, रासायनिक समीकरण की कमियां। फिर इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की अपने परिभाषा क्या बताई थी, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक शब्द आपके पास आया था क्रियाकारक और दूसरा शब्द आया था क्रियाफल। क्रियाकारक किसे कहा था, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उस पदार्थ क्या कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। और क्रियाफल किसे कहा था, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। तो क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा अपन ने, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्रियाकारक, और जिस पदार्थ में परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, क्रियाफल। अब रासायनिक अभिक्रिया सदैव किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संचरण के नियम का पालन करती है। रासायनिक अभिक्रिया सदैव किसका पालन करती है, द्रव्यमान संचरण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संचरण के नियम का क्या है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर भाग लेने वाले क्रियाकारक का परमाणु भार या द्रव्यमान, बनने वाले क्रियाफल या उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होता है, समान होता है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन को जलाते हैं, जलाने के लिए किसके साथ क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखो, कार्बन का परमाणु भार कितना बेटा, 12।
जी आपको याद रखना पड़ेगा O2 का परमाणु भार कितना है 16। अब O2 के परमाणु कितने हैं 2, तो एक का परमाणु भार 16 है, तो 2 का 2 से गुणा कर दो। अब इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इनटू मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो कितना हो गया बेटा 16 × 32 प्लस 12 तो कितना हो गया 44 ग्राम। और यहां 12 × 16 = 32 + 12 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन करते ही ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 12 ग्राम कार्बन जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप आपके पास 44 ग्राम क्या बनती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसके फलस्वरूप 44 ग्राम क्या बनती है बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो दोनों तरफ परमाणु भार का मान क्या है समान, कितना है क्रियाकारक का परमाणु भार 44 ग्राम, क्रियाफल का परमाणु भार 44 ग्राम। या हम दूसरा कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो भाग लेने वाले क्रियाकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या और बनने वाले उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या सदैव क्या होती है समान होती है। अर्थात क्रियाकारक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 1, तो दूसरी तरफ कार्बन परमाणु की क्रियाफल में भी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2, तो यहां भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर या तो पहले से बने हुए पदार्थों में पाए जाने वाले बंध क्या होते हैं बॉन्ड क्या होते हैं टूटते हैं, या फिर नया बंध का क्या होता है निर्माण होता है। तो इस प्रकार रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को बनने वाले बंध के आधार पर या टूटने वाले बंध के आधार पर या अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार से क्या किया गया बेटा विभाजित किया गया है। तो अगला पॉइंट बनता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया को अनेक प्रकार से क्या किया गया बेटा विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है बंध के आधार पर या उत्पाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। अपन ने क्या कहा रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकृति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिक्रिया के वेग के आधार पर या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले बंध के आधार पर या टूटने वाले बंध के आधार पर या बनने वाले उत्पाद के आधार पर या ऊष्मा के आधार पर कई प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें पहला प्रकार बंध के आधार पर या उत्पाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से विभाजित किया गया बेटा दो प्रकार से। नंबर फर्स्ट अभिक्रिया आगे बेटा संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आ रही बेटा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रकार बनता है कौन सा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में संयोजन का मतलब क्या करना जुड़ना, आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन कोई एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन को जलाते हैं जलाने का क्या बनती है CO2। अब यहां दो क्रियाकारक हो गए एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन और जुड़कर दो क्रियाकारक जुड़कर
एक उत्पाद बना है, एकल उत्पाद बना है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? संयोजन अभिक्रिया। या दूसरे पर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम का दहन करते हैं, दहन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। क्या बनेगी? मैग्नीशियम है ऑक्साइड। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तो संयोजन कैसी अभिक्रिया बेटा? संतुलित अभिक्रिया। कार्बन का एक, O2 के दो, लेकिन इसमें मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन के दो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक है, इसका मतलब ये संतुलित समीकरण नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ क्या लगा दूंगा? दो लगा दो, और यहाँ दो लगा दो, ये क्या हो गई? संतुलित। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अपन ने परिभाषा क्या दी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया। ये आपके पास अपन ने दो उदाहरण दिए। दूसरा इसमें एक पॉइंट अपन, और दूसरा अपन पॉइंट विशेषता बता सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? जब भी संयोजन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो दो क्रिया कारक आपस में किसका निर्माण करते हैं? नए बंध का निर्माण करते हैं। जब भी संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्रिया कारक आपस में जुड़कर किसका नए बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तीसरा, जब भी संयोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो छोटे अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं बड़ा? बड़े अणु का निर्माण करते हैं। छोटे अणु का मतलब क्या है? यहाँ मैग्नीशियम का, या दूसरा पद देते हैं कि कार्बन का परमाणु भार कितना है बेटा? भाग बताया था थोड़ी देर पहले 12। ऑक्सीजन का कितना है? 32। और इसे ऑटो में कितना बेटा? 44। इसका मतलब छोटे अणु भार वाले तत्व आपस में जुड़कर बड़े अनुभाग वाले परमाणु का क्या कर रहे हैं? निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में तीन पॉइंट आ गए। संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में जुड़कर नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में सदैव नए बंध का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता, संयोजन अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो कम अनुभाग वाले तत्व परमाणु या अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते बड़ा? अधिक परमाणु भार वाले यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है बड़ा योजन। योजन का क्या है? अपघटित होना, टूटना। तो उससे पहले जब भी दो पॉइंट ध्यान रखना बड़ा, संयोजन अभिक्रिया हो चाहे योजन अभिक्रिया हो, अभिक्रिया किसी भी प्रकार का अगर प्रकार बताता है तो सबसे पहले आपको उसकी क्या देनी है बड़ा? परिभाषा देनी है। क्या देनी है? परिभाषा देनी है। परिभाषा देने के पश्चात उस अभिक्रिया के दो या तीन आपको क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर उसके पश्चात उसकी दूसरी विशेषताएं भी याद रखनी है। अब दूसरी तरफ आपके पास कौन सी अभिक्रिया आई होगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रिया कारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो परिभाषा क्या बन रही है? संयोजन का जैसे टूटा हो गया, संयोजन अभिक्रिया में क्या करें? एकल अभिकारक या क्रियाकारक, सॉरी दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करें। और वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्या हो गया? वियोजन। अब दूसरा, जब भी वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो वियोजन अभिक्रिया संपन्न होने पर पहले से बना हुआ बंध क्या करेगा? टूटता है। पहले से बना हुआ बंध टूटता है। जबकि संयोजन में क्या हो रहा था? क्रियाकारक आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने से नए बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि यहां वियोजन अभिक्रिया में पहले से बना हुआ बंध क्या होता है बेटा? टूटता है। तीसरा, संयोजन अभिक्रिया में कम अनुभार वाले परमाणु या यौगिक या अणु आपस में जुड़कर बड़े अनुभार वाले अणु का क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे। जबकि यहां क्या होगा बेटा?
बड़ा वो क्या होगा, टूटेगा। तो इस अभिक्रिया में बड़ा अणु टूटकर छोटे अणु क्या करने का निर्माण करता है। अब इसका आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने से पहले जब भी वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए या तो किसकी आवश्यकता होती है बेटा, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, या फिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अपघटन किस आधार पर होता है, उसके आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया को पूरे तीन भागों में क्या किया गया बेटा, विभाजित किया गया है। क्योंकि यहाँ वियोजन अभिक्रिया में या एकल क्रिया कारक टूटकर किस में बदल रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब क्रिया कारक को अपघटित होने के लिए या तो विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या फिर किसकी आवश्यकता होती है बेटा, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अपघटन होने के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को पूरे तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट विद्युतीय, सॉरी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जब कोई वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की सहायता से संपन्न होती है या जब किसी क्रियाकारक का विद्युत धारा की सहायता से अपघटन होता है तो इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके अंदर जल के अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अणु वियोजित होकर कौन-कौन से गैस देता है, H2+ है और दो गैस देता है, तो ये कौन से अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा अपन ने, जल के अंदर क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। दूसरे अपघटन अपन ने किसे कहा था, जब वियोजन अभिक्रिया या किसी क्रियाकार का अपघटन किसकी सहायता से संपन्न होता है, विद्युत धारा की सहायता से संपन्न होता है, तो इस प्रकार के अपघटनीय अभिक्रिया क्या कहते हैं, विद्युतीय अपघटन। जैसे जल के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, H2+O2। कितने क्रियाकारक दिए थे आपने, एक क्या जल था, जल, और बना क्या, बना क्या अपना और हाइड्रोजन गैस प्लस एक ऑक्सीजन गैस। अब अपन कह रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया में सदैव बड़ा अणु किस में टूटता है, छोटे अणु में टूटता है। जैसे जल का परमाणु भार कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार है O2, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, तो 2 का कितना हो गया 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो 4 + 30 हो गया। और यहां बेटा H2 का 4 + 16 हो गया 20, तो बड़ा अणु किसमें टूट गया, छोटे अणु में। या दूसरा अपने एग्जांपल देते हैं बेटा, NaCl साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन को अपन ने क्या लिखा था सोल्ट में, एक बस जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो एक तरफ आपके पास Na बनता है और दूसरी तरफ Cl2 गैस बनती है। अब ये तो हो गया अपना एक बस अवस्था में जलीय विलयन बन गया सोडियम का, और दूसरी तरफ क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गई। फिर दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया का बनता है बेटा, कौन सा, ऊष्मीय अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक का अपघटन किसकी सहायता से संपन्न होता है, ऊष्मा की सहायता से संपन्न होता है, तो इस प्रकार के अपघटन को क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन। जैसे एग्जांपल CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यदि क्या करते हैं बेटा, ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा मिलने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें वियोजित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा मिलने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस से क्या बनता है बेटा, CO2 बनती है। दोनों तरफ समीकरण संतुलित है, कैसे संतुलित, कैल्शियम का एक परमाणु, एक परमाणु ऑक्सीजन के, 3 परमाणु, 1+2 = 3, कार्बन का 1 और कार्बन का 1 परमाणु। फिर तीसरा प्रकार बनता है बेटा, कौन सा, उसमें अपघटन के पश्चात बनता है प्रकाशीय अपघटन। कौन सा बेटा, प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन का क्या हो गया, जब वियोजन अभिक्रिया में
क्रियाकारक का अपघटन किसकी सहायता से संपन्न होता है? प्रकाश की सहायता से संपन्न होता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के बेटा क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसमें टूट जाता है? H2+Br2 यानी कि ब्रोमीन में टूट जाता है। तो कौन सी क्रिया हो गई? प्रकाशीय अपघटन। संतुलित है या असंतुलित? असंतुलित क्या लगा बेटा? दो लगा दो, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? क्रियाकारक और क्रियाकर्म में परमाणु की संख्या क्या हो गई? समान। ये आपके पास दूसरी अभिक्रिया होगी बेटा, कौन सी? योजन अभिक्रिया। अब योजन अभिक्रिया में पदार्थ क्रियाकारक का अपघटन हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अपघटनीय अभिक्रिया। चलो बेटा थैंक्स।